तो दोस्तों दोबारा और एक नया क्रेडिट कार्ड बैंक ट्रांसफर करने का तरीका लेके हाजिर हूं मैं आपके सेवा में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो कौन सी एप्लीकेशन है, क्या करना है, सब कुछ आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को साइट में हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल रहा है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है। उसका बेनिफिट क्या होगा तो बता दो दोस्तों, सारे वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को वहां पे मिलता है। कोई भी अपडेट्स आता है, किसी एप्लीकेशन पे ट्रांजेक्शन होना बंद हो गया, कोई ऑफर बंद हो गया, कुछ भी हुआ, तो उसके बारे में सारे अपडेट्स आप लोगों को यूट्यूब से पहले वहां पे देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आज हम जानने वाले आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं विनोद द डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का और एक नया तरीका। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश कर दूं, आप यदि क्रेडिट कार्ड होल्डर हो और आपने अब तक क्रेडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों बता दूं, क्रेडिट एप्लीकेशन इंडिया का क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिवार्ड्स एंड कैशबैक देने वाला सबसे ज्यादा रिवार्ड्स एंड कैशबैक देने वाला एप्लीकेशन है। आप जब इसे आपका पहला क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो आपको दिया जाता है 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का फ्लैट कैशबैक है। तो दोस्तों यानी 250 आपको फ्लैट मिलने वाला पहला बिल पे करके आप ये कमा लो। उसके बाद हर एक बिल पेमेंट के ऊपर आपको कैशबैक दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर और मच मोर आप लोगों को यहाँ पे ऑफर्स देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके आपको कैशबैक कमा लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा आएगा तो आप यूज करिए, अदरवाइज डिलीट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड करके यूज करके डेफिनेटली देखिए और 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए का कैशबैक कमा लीजिए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेटीएम एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। साइट में आप देख रहे हो ऑफर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दो एड मनी के ऑफर से, एक है जिसमें आप लोगों को 1000 रुपीज का एड मनी करना है, ओके 1000 रुपीज का, वो आप लोग अपने यूपीआई के थ्रू कर लो। एड मनी के लिए आपको जीरो चार्जेस लगेगा, कैशबैक आप लोगों को 25 रुपए मिल जाएगा। साइट में आप लोगों को ऑफर्स दिखा रहे हैं, ऑफर्स के बारे में यही है कि इस ऑफर को आप 30 जून से पहले अप्लाई करोगे तो आप लोगों को एड मनी के ऊपर 25 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। यदि अभी ये ऑफर उस लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिनको 25 रुपए कमा लेना है, क्योंकि आप लोग पेटीएम यूज करते हो तो आप लोग एड मनी करके 1000 का 1025 कर लो और आप अपना एक्सपेंसेस कर सकते हो। उसी के साथ साथ दूसरी ऑफर आ रही है जिसके ऊपर आपको 2% इसका फ्लैट कैशबैक मिलेगा, लेकिन एड मनी आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, साइट में आप बैनर देख रहे हो तो उसके थ्रू आप लोग यदि आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को आपके पेटीएम वॉलेट में एड करते हो तो आपको दिया जाता है फ्लैट 2% कैशबैक अप टू 150 रुपीज। इसके लिए आपको कितना ऐड करना है, 7500 रुपए आपको ऐड करना है। उससे आपको चार्जेस कितना लगेगा, 7500 के ऊपर आपको 2.3% इसका चार्जेस लगेगा, ओके। तो आप यदि यहां से ऐड कर रहे हो तो आपको 172 या 174 रुपीज आपको चार्जेस लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको कैशबैक दिया जाएगा कितना, 150। तो आपका कितना रहेगा, 22 रुपए, लेकिन हमने जो 1000 ऐड करने को बोला था उसमें 25 रुपए आपको मिला है। तो दोनों मिला के आपका जो चार्जेस गए वो वापस आ गया और आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे, एड मनी किया हुआ पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में आसानी से भेज सकते हो। तो दोस्तों इस ऑफर की वैलिडिटी 30 जून तक है, ये ऑफर सिर्फ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए। सबसे पहले आपको पेटीएम के कैशबैक वाले ऑप्शन में जाके चेक करना है कि ये ऑफर आप लोगों के लिए है क्या। यदि आप लोगों के लिए नहीं होगा तो इस ऑफर को अप्लाई मत कीजिएगा। आप रेंट पेमेंट के थ्रू जाइएगा, वहां पे भी आपको ऑफर मिल रहा है, लेकिन रेंट पेमेंट करने के बाद भी आपको आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप लोग दोबारा इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये ऑफर आपके लिए होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सा छोटा सा वीडियो था, एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों को देने की मैंने सोचा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपके मन में कुछ भी सुझाव, कुछ भी सवाल होगा तो आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताइए, उसके ऊपर हम काम करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर आप लोग कमेंट करो वीडियो बनाने के लिए, उसके ऊपर आपको 3 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगा। 3 कमेंट आए थे, तीनों के लिए वीडियो बन चुका है।
कल परसों और उसके अगले दिन ये वीडियोस रिलीज होने वाले हैं, उनका नाम भी डिस्क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।